आप सब, मैं जुलेखा इरफान, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश बना रही हूँ। आज बन रहा है तुर्किश अदाना कबाब सालन के साथ। बड़ी मजेदार डिश है, बहुत ही मजा आएगा आपको बनाकर भी, खाकर भी। तो चलिए देखते हैं। ये है 1 किलो का चिकन का कीमा। वैसे थाई पोर्शन है ये वाला, आप चाहें तो प्रेस पोर्शन ले सकते हैं। 2-3 पानी से धो के छन्नी में निकालने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। ये देखिए थोड़ा मोटा है, तो इतना मोटा हमें चाहिए नहीं। आप अगर ग्रेट कर सकते तो ग्रेट कर लीजिए इसे किसी मशीन में डालकर। मेरे पास मशीन नहीं है तो अल्फाज मेरी मदद कर रहे हैं। वैसे वो कुरैश खानदान से है तो माशाल्लाह उन्हें बहुत क्विकली आता है ये जो कीमे को और बारीक करना, तो वो मुझे और ज़्यादा बारीक करके दे रहे हैं, शुक्रिया अरफत। और यहाँ पर मैंने ये एक बड़ी सी प्याज ली है, इसे मैं थोड़ा सा रफली मोटा मोटा काट लेती हूँ। और ये एक लाल वाली शिमला मिर्च है बड़ी सी, उसे भी मैं मोटा मोटा धोकर काट लेती हूँ। और ये दोनों को एक साथ ये जो ग्रेटर है ना उसमें डालकर बहुत अच्छा बारीक इसे कर लेती हूँ। ये देखिए ग्रेटर में इस तरीके से बारीक हो गया। इसी तरीके से सारों को कर लीजिए। आप चाहे ना इसके अंदर आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं एक साथ, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। चलिए ये सारा हो चुका है। मैं ना थोड़ा सा लहसुन भी डालकर उसे भी बहुत बारीक कर लेती हूँ। मैंने ज़्यादा लहसुन लिया, वैसे उतना चाहिए नहीं, मुझे दूसरी चीज़ के लिए चाहिए, इसके लिए एक साथ मैं कर रही हूँ। लहसुन हो चुका है, उसे मैं साइड पर रख देती हूँ। ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से बारीक हो चुका है। यहाँ पर मैं ये जो हरा धनिया है, खूब सारे हरे धनिया को बारीक काट लेती हूँ और उसे भी साइड पर रख देती हूँ। तो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई ना इसके लिए। ये धोए हुए कीमे के अंदर ये जो प्याज और शिमला मिर्च हमने बहुत अच्छे से बारीक काट कर रखी, इसे अच्छे से निचोड़ ले, पानी पूरा निकाल ले और ये इसमें डालते जाए कीमे के अंदर। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, वैसे तो पार्सले डाली जाती है, अगर आपके पास पार्सले है तो वो डाल दीजिए बारीक काट कर। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैं 1/2 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 छोटे चाय के चम्मच पपरिका पाउडर डाल दीजिए। वैसे अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर लीजिएगा उससे फिर तब। और यहाँ 2 छोटे चाय के चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। चलिए हाथ अच्छे हैं, साफ है मेरे, बहुत अच्छे से धोकर अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब अच्छा मिक्स हो जाता है तो बीच में थोड़ी सी स्पेस कर लीजिए, साइड बाय साइड एक कोयला जलाने रख दीजिए। अभी जो बीच में स्पेस किया आपने उसमें एक बाटी रख दीजिए स्टील की, और ये जो कोयला गर्म हो जाए तो गर्मा गर्म कोयला या बाटी में रख दीजिए। थोड़ा तेल घी या मक्खन डाल दीजिए कोयले के ऊपर, गर्म कोयले के ऊपर, और क्विकली ढक दीजिए और वजन रख दीजिए और इसे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो साइड में रख सकते हैं या फिर फ्रिज के अंदर रख दीजिए ढक कर। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोयले का टांडा दिया है, वैसे ये रेसिपी में दिया नहीं जाता है डेफिनेटली, बट अगर आप देखें तो टर्किश हो या इंडिया हो कहीं पर भी हम उसे कोयले पर ही सेकते हैं ये कबाबों को, तो मैंने इसके लिए टांडा दिया है सो दैट उसका एक फ्लेवर और एनहांस हो गया और ऐसा लगे कि मैंने पैन में नहीं बनाया है, मैंने कोयले के ऊपर ही उसे सेका है, तो वो एक फ्लेवर मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो 2-3 मिनट के लिए हल्का सा एक फ्लेवर आ जाएगा, आप चाहें तो थोड़ी देर ज्यादा रख सकते हैं। चलिए तब तक हमें ना मेरे पास सीख की जो हमारी सीख जैसे स्कूअर्स जो हम कहते हैं सीख कहते हैं, तो वो सीख तो हमारे पास है नहीं, वो जो लकड़ियां या जो स्टील की जो होती है जिनमें हम चिकन या मटन के कबाबों को लगाते हैं उसको सीख कहते हैं स्कूअर्स, लेकिन वो तो है नहीं। तो मैं अभी झटपट घर में बना रही हूँ, आप भी घर में बना सकते हैं और बढ़िया सा एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत वैसा ही बनेगा हमारा भी। तो चलिए सबसे पहले वो बना लेते हैं, इसके बाद अगर आपके पास सीख नहीं है जो लकड़ियां होती है सीख की, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाते हैं घर पर। तो यहाँ 5 मैं वुडन स्टिक्स ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये 5 वुडन स्टिक्स लेने के बाद एक ये लीजिए फॉइल पेपर, इस तरीके से बीच में रखिए, ऊपर से फोल्ड कीजिए, पकड़ के बीच में से अच्छे से वो स्टिक्स यहाँ वहाँ फैले ना, जब अच्छे से फोल्ड कर ले तो नीचे से भी फोल्ड कर दीजिए और अच्छे से पकड़ के रखिए स्टिक्स को, हटनी नहीं चाहिए उसकी जगह से। चलिए अब मैं इसको पलट कर इसे इस तरीके से पलट दी और इसे इस तरीके से लपटते जाइए, देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप अच्छे से टाइट लपटते जाएंगे तो ये बन गई हमारी एक सीख, बन गई ना एकदम घर में बढ़िया सी मजेदार सी, जिसके पास ना हो वो ये बना ले। इसी तरीके से मैं और 3-4 बना लेती हूँ। वैसे मैं 1 किलो का बना रही हूँ तो तकरीबन 10-12 सीख तो लगेगी, बट मैं 5-5 की ही बना रही हूँ, इसमें से निकालती जाऊंगी और 80 में बनाती जाऊंगी। चलिए ये सारी सीख बन चुकी है, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ और सबसे पहले सैलड बना लेती हूँ। 2 मीडियम साइज प्याज लीजिए, इस तरीके से लंबी लंबी बारीक बारीक काट लीजिए और इसे उंगलियों की मदद से सबसे पहले तो खोल लीजिए और एक प्याले में डाल दीजिए। फिर डाल दीजिए हरा धनिया और नींबू का रस, आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच डालें या 2 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार रखिएगा। और 1/2 छोटा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बन गया हमारा सैलड। इसे साइड पर रख दीजिए। अब हमारा 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट होके, तो चलिए अब जाते हैं कबाब बनाते हैं। चलिए ढक्कन खोल लीजिए इसका और ये जो कोयला है इसे फेंक दीजिए और बाटी को साइड पर रख दीजिए। पहले बहुत अच्छे से हमारे चिकन को मिक्स कर लीजिए, साइड पर आप देख सकते हैं वो पानी ही रखा है। और अब उसको अपने हाथों को पानी की मदद से गीला कीजिए, एक अच्छा पोर्शन लीजिए चिकन का और ये सीख लीजिए और इस तरीके से इसे लगाते जाइए। इस तरीके से बहुत अच्छे से टाइटली रोल कीजिए इसके ऊपर। जब अच्छे से आप लंबा पूरा नीचे तक लेके जाएं, कम या ज़्यादा लंबा जितना आपने रखना है आप कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने सेट कर लिया है इसे। अब इस तरीके से उंगलियों की मदद से इसे शेप दे दीजिए, एकदम डीप शेप दीजिएगा। हाँ ये देखिए, और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन, पहले पानी का हाथ गीला किया, पोर्शन लिया चिकन का, अच्छे से ऑल ओवर ये सीख के ऊपर मैंने लगा दिया, फैला दिया, स्प्रेड कर दिया और थोड़ा सा चपटा कर लिया पहले तो, और उसके बाद मैंने ये इस तरीके से मार्क दिया है उंगलियों की मदद से। अच्छा, अगर आपने ब्रेस्ट पोर्शन का कीमा लिया है तो आप चाहें तो 1 या 1.5 टेबल स्पून तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं या फिर मक्खन डाल सकते हैं, बटर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेस्ट पोर्शन नहीं है, थाई पोर्शन है कीमे का। मैंने ये 1 किलो का बनाया है तो तकरीबन 11 से 12 बनेंगे, अगर आप 1/2 किलो के बनाओगे तो कम बनेंगे। 1/2 किलो के हिसाब से आपको पता है मेजरमेंट सारे आधे लेने हैं, चाहे वो प्याज हो या शिमला मिर्च हो। चलिए मैंने 5 बना लिए, अब मैं फ्राई करती हूँ। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, वैसे ये ऑलिव ऑयल है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालकर थोड़ा स्प्रेड आउट कर दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और जब थोड़ा तेल गर्म हो जाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये कबाब डाल दीजिए। मैंने 3 डाली और 2 साइड पर रख दिए। थोड़ा सा मैं तेल एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा है, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, आप चाहें तो मत डालिएगा। और इसे 1/2 मिनट तक पीछे की साइड पे पकने दीजिए, जब 1/2 मिनट हो जाता है तो पलट दीजिए। इसी तरीके से उलट पलट करते हुए इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक पका लीजिए। टोटल 3-4 मिनट में तो आराम से पक जाएगी। और साइड्स पर भी खड़े रख के पकाइएगा, सो दैट स्टैंडिंग पोजिशन में, सो दैट दोनों साइड से भी पक जाए। अच्छा, अब आप देखेंगे तो एक साइड से आपको मार्क्स दिख रहे होंगे और पीछे की साइड से नहीं दिख रहे होंगे, राइट? वो इसके लिए है क्योंकि मैंने डायरेक्टली इन्हें प्लेट में डाल दिया था, तो प्लेट नीचे से चपटी थी तो प्लेट का शेप ले लिया उन्होंने तो, और पीछे से फ्लैट हो गए वो। अच्छा, अगर आपको दोनों ओर से अच्छे मार्क्स दोनों ओर से ही चाहिए तो आप क्या कीजिए, कढ़ाई या कुकर के ऊपर इसे रख दीजिएगा। दोनों एजेस को पकड़ के रखेंगे तो दोनों जो चिकन का साइज है कोई जगह पे टच नहीं होगा, तो दोनों ओर से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए, और ये अच्छे खासे ग्रिल हो जाएंगे 3-4 मिनट में, उलट पलट करते जाइए और पक भी जाएंगे 3-4 मिनट में। अगर आपको लगे कि नहीं पके हैं तो 1/2-1 मिनट और पका लीजिएगा, लेकिन तकरीबन 3-4 मिनट में तो आराम से गल जाने चाहिए क्योंकि ये चिकन है ना बहुत बारीक कटी हुई है, तो आराम से हो जाएगी। ये देखिए मैं इस तरीके से खड़े भी रख रही हूँ सो दैट साइड से भी ये हो जाए। चलिए 3-4 मिनट हो जाते हैं तो मैं इन्हें निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। चलिए, अच्छे ग्रिलिंग के स्पॉट्स आ चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। अच्छा, टर्की में ना रोटी के साथ सर्व किया जाता है, तो मैंने की रोटी बनाई है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये ना कबाब रख देती हूँ और साइड पर जो हमने सैलड बनाया है वो भी रख देती हूँ, बढ़िया सा मज़ेदार सा चटपटा सा, और इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ।
रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा मेरे ये लिंक्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जो तेल बचा हुआ है फ्राई पैन के अंदर उसे मैं इस तरीके से लगा देती हूँ, ब्रश कर देती हूँ मेरी सीखों के ऊपर, सो दैट और ज़्यादा डिलिशियस लगे और ज़्यादा जूसी लगे। तो ये बन चुकी है हमारी अदाना कबाब, बढ़िया सी मज़ेदार सी सैलड के साथ गर्मा गर्म सर्व करने के लिए मैं रेडी हूँ। अच्छा, अब मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरीके से, इसे पकड़िए रोटी के ऊपर रखिए और इस तरीके से आप इसे पुश करेंगे ना हल्के हाथ से, पहले थोड़ा ऊपर से फिर बाद में नीचे एज पे आके, तो ये पूरी इस तरीके से निकल आएगी। इसी तरीके से सारे निकाल लीजिए, बनाएं खाएं मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।